कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें कारण क्या होता है, ये हमको देखना पड़ेगा और उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और एक सेमिनार लीडर लैंडमार्क हूँ। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ करके भी पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज तक मैंने हजारों लोगों के बिजनेसेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाया हुआ है, उनको कोच किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस चलता क्यों नहीं है। क्या है कि बिजनेस जब चलता नहीं है तो इसका मतलब ऐसा है कि बिजनेस ओनर, जिसको वो बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे होते हैं, वो वहाँ काम कर रहा है। बिजनेस ओनर इज वर्किंग देयर, वो डूअर का काम कर रहा है, वो एक्चुअली वर्कर है, वो वहाँ आर्टिस्ट करके काम कर रहा है, वो डूअर है, वो एक नौकर करके वहाँ काम कर रहा है, बाकी नौकर जैसा, क्योंकि उसके पास में लोग नहीं है और वो बिजनेस मन काम कर रहा है करके बाकी जो बिजनेस मन ने काम करने हैं वो काम नहीं कर रहा है। बिजनेस मन ने कौन से काम करना है? डिजाइनिंग, थिंकिंग, एक्सपांशन, टेकिंग रिस्क, मैनेजिंग फंड्स, इतना सब काम बिजनेस मन का है। एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस का ग्रोथ करता है। अब बिजनेस यदि बिजनेस मन यदि बिजनेस में अटका हुआ है तो फिर काम कैसे होगा? हो सकता है कि बिजनेसमैन के पास में और हायरिंग स्किल नहीं है, लोगों को लगाना कौन से, कैसे लोग लगाना, उनका ट्रेनिंग कैसे करना, उनको रिटेन कैसे करना, या बिजनेस में कुछ ट्रेड सीक्रेट होगा जिसमें वो बिजनेसमैन अटक के बैठा हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारा कैश में होता है धंधा, और जब कैश में धंधा होता है तो बिजनेसमैन को वहाँ अटक के रहना पड़ता है। फिर देखिए कि कोई भी काम नहीं हो रहा है तो एक तो बिजनेसमैन काम कर रहा है, या फिर हमको देखना पड़ेगा कि कोई ट्रबल आ रहा है बिजनेस में, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन आ रहा है तो क्यों हो रहा है। तो एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। उसमें हम देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नंबर एक हमको देखना है कि वहाँ आदमी कौन बैठा हुआ है, मतलब कौन से रोल वहाँ प्ले करने वाला व्यक्ति है। क्या वहाँ डूअर है, क्या वो सेल्समैन है, क्या वो मैनेजर है, डूअर मैनेजर, डूअर सेल्समैन, डूअर ऑपरेशंस, मतलब कौन बैठा हुआ है वहाँ कि वो कर रहा है। नंबर एक पोजीशन, क्या एग्जीक्यूशन करने वाला आदमी है, क्या मैनेजरियल पोस्ट वाला आदमी है, कौन सा पोस्ट वाला, कौन सी पोजीशन वाला आदमी बैठा हुआ है, नंबर एक। तो नंबर दो वहाँ देखना है कि भाई उसको स्किल है, जब उसको स्किल नहीं है, कौशल्य नहीं है वो काम करने का, और हमने वहाँ उसको बिठा दिया है, स्किल ही नहीं है, उसको आता है काम और बहुत माइन्यूटली नहीं आता, और फिर हमको वहाँ कूदना पड़ता है, बताना पड़ता है और काम करवा के लेना पड़ता है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम करने वाला वहाँ आदमी बैठा नहीं है, तो एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मैंने जो वहाँ आदमी बिठाया हुआ है वो जो काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको मैंने दो तीन जगह और जिम्मेवारियाँ दी हुई है। वही आदमी सेल्स में जाता है, वही आदमी अकाउंट्स में जाएगा, वही आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाएगा मेरे और टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। एक आदमी को मैं तीन चार जगह दौड़ा रहा हूँ जिसमें वो एक जगह नहीं है, और फिर एक भी काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है और वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है। जब मैं मेरे आदमी को चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाके अकाउंट फाइनलाइज करने के लिए भेज रहा हूँ क्योंकि उसको आता है, तो फिर वहाँ सेल मार खाता है, वहाँ मार्केटिंग मार खाएगा। तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि भाई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना, दो चार जगह एक आदमी नहीं होना। नेक्स्ट यदि है तो फिर क्या उसका ट्रैकिंग हो रहा है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जो है वो कि भाई वो जो नियम तोड़ रहा है, वो जो काम नहीं कर रहा है, क्या वो पकड़ में आ रहा है, क्या वही चेकर है कोई जो चेक कर रहा है उसका परफॉर्मेंस, क्या उनको खुली छूट दी है, जो मर्जी आए वो करो, कोई चेक करने वाला है नहीं, कोई आदमी लेट आ रहा है आधा आधा घंटा, कोई चेक करने वाले नहीं है, कोई चेकिंग होती नहीं, कोई कैमरे नहीं, कोई थंब नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ता है, तो क्या ट्रैकिंग हो रहा है उसका। जैसा एक स्क्वायर है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं,
मालूम है हमको कि यहाँ कैमरे लगे है, तो हम वो जो रेड सिग्नल वो तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे तो कैमरा पकड़ेगा। मगर सिर्फ कैमरा पकड़ के नहीं होता, समझो कैमरा ने पकड़ लिया मगर मुझे फाइन की चिट नहीं आई, चिट्ठी नहीं आई, तो मैं चिंता ही नहीं करूँगा। मालूम है कैमरा ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, क्या फर्क पड़ रहा है। जब मेरे यहाँ चिट्ठी आ जाएंगी फाइन की 200-500 रुपये की, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। मतलब ट्रैकिंग करना मतलब कैमरा है, और उसकी फाइन की चिट्ठी फाड़ना मतलब अकाउंटेबिलिटी है। दोनों जरूरी है। तो वहाँ जो हमारे काम कर रहे हैं वहाँ कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, और चेकिंग हो रही है तो उसका इम्पैक्ट, उसका दुष्परिणाम, उसके फटके उसको नहीं बैठ रहे। समझो मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, वहाँ 9 बजे का टाइम है हॉस्पिटल में जाने का, रिपोर्ट करने का। मैं 9:05 को जा रहा हूँ, 9:10 को जा रहा हूँ, 9:15 को जा रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ 9:15 को। मैं 9 का टाइम है, कैमरा पकड़ भी रहा है कि मैं लेट आ रहा हूँ, हो रहा कुछ भी नहीं है। तो मैं फिक्र नहीं करूँगा, ट्रैकिंग हो रहा है मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं जब चाहे वैसा करूँगा। मुझे मुझे मालूम है कि मैं लेट जाऊँगा तो मुझे फ़ाइन बैठेगा, मेरा हाफ डे लगेगा, वो फाइन बैठ रहा है तो मैं बराबर जाऊँगा वहाँ। ह्यूमन बींग्स जो काम कर रहे हो तो फटके बैठते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, पनिशमेंट होती है, इसलिए काम करते हैं। नहीं तो फिर एप्रिसिएशन हो रहा है, बख्शिश मिल रहे हैं, वाह वाह हो रही है, इसलिए काम करता है। पेन और प्लेजर, तो एक तो आप उनको प्लेजर दो, नहीं तो पेन दो। प्लेजर देने में बहुत तकलीफ होती है, प्लेजर देना बहुत लेंदी काम है, प्लेजर देके रिटर्न बहुत लेट आते हैं, पेन देके फटाफट रिटर्न आते हैं, क्योंकि पेन तुरंत दिया जाता है। तो ये काम करने का तरीका है। बिजनेसमैन क्यों काम नहीं कर पाते, या बिजनेस में ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।